कलम समाचार पत्र की 12वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक संगोष्ठी व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि इस समारोह में महापौर विधायक देवेंद्र यादव, वरिष्ठ पत्रकार शिव श्रीवास्तव, पत्रकार बीडी निजामी के अलावा अखबार के प्रकाशक श्री शुक्ला की माता सावित्री शुक्ला व बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद थे। अपने संबोधन में यादव ने कहा कि जनता की कलम जनता की आवाज बने, जिसके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। निरंतर वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। इस मौके पर उन्होंने संपादक श्लेष कुमार शुक्ला को बधाई भी दी। वहीं श्री शुक्ला ने एक प्रतीक चिन्ह देवेंद्र यादव को सप्रेम भेंट किया और भिलाई के वरिष्ठ पत्रकार शिव श्रीवास्तव को शॉल देकर सम्मानित किया। समाचार पत्र के संस्थापक स्वर्गीय श्री के शुक्ला को याद करते हुए सभी लोगों ने उनके पुत्र को सफलता की बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं स्वर्गीय श्री के शुक्ला को पत्रकारिता क्षेत्र के कार्यों और समाचार पत्र के संचालन के अथक प्रयासों को स्मरण किया। साथ ही समारोह में वर्तमान समय में पत्रकारिता का कठिन दौर विषय पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन करवाया गया। बता दें कि इस संगोष्ठी में वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर उनके साथ आदित्य सिंह, अमित उपाध्याय के अलावा वरिष्ठ पत्रकार टी सूर्या राव, अशोक पंडा, न्यू प्रेस क्लब के महासचिव आनंद ओझा, अशोक पंडा, कमल शर्मा, सुबोध तिवारी, प्रवीण शर्मा, प्रेस क्लब के कार्यालय सचिव राजेश अग्रवाल, हरप्रीत सिंह भाटिया, संतोष तिवारी, अभय जवादे, अश्विनी जांगड़े, राजेंद्र गाड़े, सुनील श्रीवास्तव, वासु भारद्वाज, प्रदीप सन्याल, रमेश भगत, शमशुद्दीन खान, राजेश प्रसाद ताती, शाहीन खान, सुनील श्रीवास्तव, सुरेंद्र सिंह, विराट, मंजीत कौर, संतोष शर्मा एवं सूरज शर्मा के अलावा बड़ी संख्या में पत्रकार व शुक्ला के परिवारजन मौजूद रहे। दुर्ग भिलाई से राजेंद्र गाड़े की रिपोर्ट। नाम श्रेष्ठ कुमार शुक्ला है, भिलाई से। आज आपके अखबार का एक और वर्ष पूर्ण हुआ, नए वर्ष में कदम रख रहे हैं। अब तक का सफर के बारे में कुछ संक्षेप में जानकारी देंगे और आगे किस तरह से इस दौर को आगे ले जाएंगे। ये दौर चालू हुआ था, एक्चुअल में मेरे पिताजी ने इस अखबार का शुरुआत किए थे सन दिसंबर 2008 में, और आज उसको चलते हुए 12 साल कंप्लीट हो गए, 13वां साल प्रवेश कर चुके हैं। और इसको आगे ले जाने की बात यह है कि इसका डिजिटल वर्जन भी हम चालू करने जा रहे हैं, और चूँकि अभी पहले ब्लैक एंड व्हाइट में छपता था, तो कलर के साथ साथ फिर भविष्य में इसको दैनिक करने का भी प्लान है। तो इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाते हुए जनता के पक्ष में और कलम चलाएंगे पूरी तरह से। महापौर जी आज पधारे थे कार्यक्रम में, और उनसे कुछ मांगे रखी गई है पत्रकारों के द्वारा, कितनी जायज है? मैं समझता हूँ कि पत्रकारों के हित के लिए जो बात यहाँ पर हुई है महापौर जी के सामने में, विधायक जी के सामने में, मैं समझता हूँ कि बहुत सही है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा गया है। और चौथा स्तंभ जैसे अभी जो अभी वर्तमान समय में जो दौर चल रहा है कठिनाई का पत्रकारिता का, तो उस हिसाब से तो उसको मजबूत करने की बहुत आवश्यकता, क्योंकि कई जगह में आप सुनते हैं कहीं पर पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, पत्रकारों पर कुछ निंदाएँ की जा रही हैं, अंदर कर दिया जा रहा है। इस हिसाब से पत्रकारों की स्थिति को मजबूत करना अति आवश्यक है और होना ही चाहिए उनके लिए, क्योंकि अगर आपके मकान का चौथा स्तंभ गिर जाएगा तो फिर मकान खड़ा कैसे रहेगा। इसीलिए इस हिसाब से चौथा स्तंभ को मजबूत करना अति आवश्यक है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.